अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर करेंगे। गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे दही बड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो चलिए बनाते हैं दही बड़े। दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने एक कप उड़द की दाल ली है और आधा कप मूंग की दाल। इन दोनों दालों को धोकर अच्छे से भिगो दिया था, कम से कम 4 से 5 घंटे भीगी डाले, फिर उसको हमने पीस लिया था। ये देखिए उसका पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट बन के तैयार है। अब यहाँ पे लिया है 500 ग्राम दही है, 1 टेबल स्पून कटे हुए बादाम है और काला नमक है, ज़ीरा है, शक्कर है पिसी हुई और इमली की चटनी है। यहाँ पे तेल रख दिया है गर्म होने को। जब तक तेल गर्म हो रहा है, दाल को भी फेंट लेते हैं। दही भी तैयार कर लेते हैं। दही में ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग शक्कर। यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। आपको अगर और मीठा पसंद है तो आप और मीठा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया काला नमक 1/2 टेबल स्पून। तेल हमारा गरम हो चुका है, तब तक बड़ों के पेस्ट में बादाम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बना लेंगे। हाथ पे हल्का सा पानी लगाकर बड़ों का शेप देना है, फिर उसको फ्राई करेंगे। इसी तरह और सारे बड़े फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से सारे बड़े बना लेंगे। बड़ों को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं। ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही रखना है। अभी बड़े फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। अब सारे बड़ों को पानी में एक एक करके डिप करते हैं और इन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में ही डिप रहने देंगे। इसी तरह बाकी के भी सारे बड़े और फ्राई कर लेते हैं। अब बाकी के भी बड़े फ्राई हो गए हैं, उनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और जो बड़े हमने पानी में डिप करके रखे हैं, अब तक वो भी थोड़े फूल चुके हैं, अब उनको दही में ऐड करेंगे। अब ये बड़े रेडी हैं सर्व करने के लिए, पर इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे।
अब आप इंजॉय कीजिए सॉफ्ट सॉफ्ट दही बड़ों की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।